कोल्हान के पूर्व डीआईजी और बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह ने आज जमशेदपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में राजीव रंजन सिंह ने कहा कि झारखंड में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन अब ये राज्य मजदूर का राज्य बन गया है। जरूरत है अब सरकार लोगों को रोजगार दे। पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेवारी, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में आपको मिला है, और अब जो है आगे का आप जो सफर होगा वो कैसा रहा? सबसे पहले तो ये हम बता दें कि मैं अपने दूसरी पारी जब लगभग 1 साल 4 महीने शुरुआत की थी, तो 1 साल तक मैंने जनता के बीच में काम करके पहले अपने को देखा कि जनता के कार्य करने के लिए मैं मानसिक और शारीरिक रूप से फिट हूँ कि नहीं हूँ। मैं उन अधिकारियों में नहीं हूँ जो आज रिटायर हुए और कल ही हड़बड़ी में पार्टी ज्वाइन किए और कोई पद नहीं मिला फिर छोड़ करके घर में बैठ गए। तो मैंने अपने को पहले मानसिक रूप से 1 साल तक कार्य करके अपने को तैयार किया, और जब मुझे लगा कि नहीं अब एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक बड़े प्लेटफॉर्म से बड़ा बदलाव किया जा सकता है, तब मैंने सभी पार्टियों में आकलन करके देखा कि मेरी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। मेरे जो आदर्श हैं वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी, श्री मोदी जी का जो बयान है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये हमारे आदर्शों से बिल्कुल मेल खाता है, और तब मैंने भारतीय जनता पार्टी में एक सेवक के रूप में अभी योगदान दिया हूँ। तो मेरे समय से बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी काम कर रहा था और आज भी काम कर रहा हूँ। अंतर इतना ही है कि एक बड़ा परिवार मिल गया, उस परिवार से भी अब हमें बहुत सहायता मिलेगी, तो मेरे कार्य को और धार मिलेगा। तो मेरी भूमिका ये होनी चाहिए कि सरकार अपने दायित्वों पर कितना खरा उतर रहा है, जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं वहाँ सरकारी एजेंसियाँ कितनी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर आपको आकलन करना है और सरकार के जहाँ फेल्यूर है उसको जाकर के बताना है कि आप यहाँ पे फेल कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में हैं, सरकार यहाँ पर टैक्स ले रही है जिसको हम लोग होल्डिंग टैक्स कहते हैं। हाल ही के दिनों में होल्डिंग टैक्स दुगना से भी ज्यादा बढ़ा है, तो ये सरकार की दायित्व है कि लोगों तक जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचाए। तो एज ए विपक्ष के एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा जरूर ये दायित्व होना चाहिए, और हम समझते हैं हर विपक्ष के कार्यकर्ताओं की ये दायित्व होनी चाहिए कि ऐसे समस्या अगर उनके क्षेत्र में है तो हम लोगों को बताएं, और हम लोग उसको प्रमुखता से जो एजेंसियां इसके कार्य करने वाली हैं उनके पास इन समस्याओं को रखेंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि सरकार आपको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराए। हमें रोजगार डेवलप करना होगा, और रोजगार डेवलप करने के लिए हमें राज्य को विकसित करना होगा, और विकसित करने के लिए आपके पास अपार संभावनाएं हैं रोजगार की। आप सोच के देखें तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो मिनरल रिच स्टेट में है, लेकिन सबसे मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद भी आज मांगो जैसे क्षेत्र में लोग बता रहे हैं कि 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बिजली नहीं रहती है। सबसे बड़ा मिनरल स्टेट, सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट, आपके यहां बिजली नहीं है। वो रिटायर किए तो निश्चित तौर पर आज भी सेवा का वही भावना, लेकिन जज्बा आज भी उससे ज्यादा है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।